आपने 61,001 शिलान्यास समारोह इस युग के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। बोलो मैं विनाद भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस शिलान्यास समारोह में मंगल प्रतीक स्वस्तिक का चिन्ह, चार स्वस्तिक रखे, पांच स्वस्तिक रखे जाने हैं। पहला स्वस्तिक रखे जाने का सौभाग्य कहां से प्रारंभ किया जाए? 11,111 रुपए। तालियां बजाकर अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार है वंदना, है वंदना। पहला स्वस्तिक रखने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए ढाई, 11,111 रुपए पौने तीन और 11,111 रुपए तीन। हमको हाँ खनन, हाँ श्री इंजीनियर, देखिए समय अभाव है। पहला नाम श्री इंजीनियर सुनील जी जैन, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए गुरु चरणों से आशीर्वाद में। श्री दिलीप कुमार जी जैन बुढ़ार, जो पूज्य विनम सागर जी पुष्पन सागर जी महाराज के ग्रह जीवन से, आप भी आए, तालियां बजाकर अनुमोदना गुरु चरणों से। श्री अशोक पिझांजली तीसरा सौभाग, चौथा सौभाग। श्री पप्पू भैया चौथा सौभाग, पांचवा सौभाग। श्री बसंत जी जैन, आचार्य का हाथ लगवा लो, आचार्य गुरु जी का हाथ लगवा लो, गुरु जी का हाथ लगवा लो उसमें। आधारभूता महिताति मुख्या, बोलो भगवान की, तामत्र शुद्धा जिन नाम मंत्र, कृपा पवित्र भूविधार। शिलान्यास की पहले से रखी जा रही है, किसी को 24 में अपना नाम देना हो तो दे सकता है, सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ छाबड़ा परिवार, पूज्य देवेंद्र सागर जी महाराज के परिवार से, सुशील भैया छाबड़ा, सुबोध जी छाबड़ा। आधारभूता महितापि मुख्या, शिला विशास्त्रास्ति जनालयस्य, तामत्र शुद्धा जिन नाम मंत्रै, कृपा पवित्रं भुवि धारय। छोटी वाली उठाएं, हिराम वाली लाएं। ओम हिराम लमो अरिहंता हराम मध्य हामशिला स्थापनामी, जाओ रखवाओ, ले बाहर आते जाए। पीसी जैन साहब बाकी लोग ऊपर आ जाए सब। पीसी जैन साहब के हाथ में थे, ऊपर आ जाए बाकी लोग, ऊपर आ जाए सब, पीसी जैन को दें आप। श्री अशोक जी झांझरी, श्रीमती कल्पना झांझरी, इनको हिरिम बाली सलाह दे, हिरिम बाली। ओम ह्रीम लमो अरिहं, रोम बाली सलाइन के हाथ में देते, होरम जैसे में लिखा है। ओम ह्रोम लमो वज्जयाणम ह्रोम पश्चिम दिशायाम, सब सिलाएं रख गई क्या? साइड जगह बनाओ, जगह बनाओ, जरा जगह तो बनाओ। दीपक जला के, प्रवचन कर सकते, कार्य हो गया है आपका पूरा काम। का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इसमें 24 के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य, मात्र 24 भगवान विराजमान होंगे, जिसमें से 7-8 भगवान के नाम आ चुके हैं। यदि किसी को एक भगवान के सौभाग्य का अवसर प्राप्त हो तो आप अपने नामों की स्वीकृति हाथ उठाकर दे सकते हैं, हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे, आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत खुशी की बात है। हाँ बाद में पप्पू भैया बैठ जाइए, खड़े नहीं होना है, बैठ जाइए। और
बाद में ये सौभाग्य आप सोचते रह जाएंगे, देखते देखते 24 ही पूर्ण हो जाएगी और गुरुवर के चरणों से आज यदि आपको प्राप्त करना है तो ऐसा अवसर फिर कब आएगा। और 21 लाख के माध्यम से एक नाम की स्वीकृति आई है, पूज्य देवेश सागर जी महाराज के परिवारग्रस्त जीवन के परिजन श्री निर्मल जी, सुबोध जी, सुशील जी छाबड़ा, आपने 24 के माध्यम से 21 लाख की स्वीकृति दी है। अनुमोदना 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 बारंबार है। हमें आगे रहते हैं, आज आधार स्तंभ भी बने इन कावन के माध्यम से, ऐसा आपसे निवेदन है छाबड़ा परिवार से। यदि पूरी सदन अनुमति देती तालियां बजाकर अनुमोदना करें, यदि छाबड़ा परिवार अनुमति प्रदान करता है तो इन कावन कलश के माध्यम से नेमिनाथ भगवान के दरबार में इस शिलान्यास में, क्यों सुबोध भैया, बनने वाले नेमिनाथ भगवान के लिए इंकावन कलश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुमोदना अनुमोदना। श्री सुबोध भैया छाबड़ा, मीना जी छाबड़ा, श्री सुशील जी छाबड़ा, मीनू जी छाबड़ा, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद दोनों भैया, और निर्मल भैया छाबड़ा, पूज्य देवेश सागर जी महाराज के ग्रह अनुमोदना। जोरदार तालियां बजाकर होना चाहिए ताकि जब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाए। आठवां हो गया, एक बचा था, एक नाम शेष रह गया था, कल 7 नाम आए थे और हम चाहते हैं आज के पुण्यार्जक बनकर आज आप यहां पर आ जाएं, आशीर्वाद ले गुरु सौभाग्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले नेमिनाथ जिलाने में एक एक जिन बिंब की स्थापना और स्तंभ आधार स्तंभ की स्थापना, पिल्लर की स्थापना, जिसकी निछावर राशि 5 लाख रुपए रखी गई है, ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए जो आधा एक स्तंभ से ना जुड़े, पूरा मंदिर जिन पिल्लरों पर खड़ा टिका रहेगा। ऐसे हाँ, अब पूरी पब्लिक कहाँ जाएगी। उपस्थित महानुभाव, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि नेमिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और इस स्वागत की बेला में श्वेतांबर समाज के श्रेष्ठी जन और साधु वृंद भी यहां पर आचार्य परमेष्ठी के दर्शनार्थ पधारे हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना 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 बार। हेलो, मनोज भैया, मनोज जी कौशल रजत शिला, नेमिनाथ भगवान के दरबार में उपाध्याय वंदना है, वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हम आपका रवि धराव दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें, आचार्य परमेष्ठी के दर्शनार्थ, इस युग के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ आप यहां पर पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपनी बात आचार्य परमेष्ठी के चरणों में रखना चाहते हैं, पूरी समाज से, पूरी समाज का हमसे। आज का दिन अत्यंत सौभाग्यशाली दिन है, आचार्य श्री के दर्शन करने का एक अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे तो प्रथम बार जीवन में आचार्य श्री का दर्शन हो रहा है, परंतु मुझे 2-3 दृश्य बहुत बार बार याद आते रहते हैं जीवन में, और एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में मैंने हमेशा आपको स्वीकार किया है। एक समय था ईस्वी में आचार्य श्री का विचरण था, चतुर्मास था, पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर में, और उनके सानिध्य में हम लोगों का भी शिखर जाना हुआ, और लगभग मेरी उम्र उस समय 8-9 वर्ष की होगी, पर मैंने आपकी आहारचर्या देखी उस समय और एक मन में बहुत भावोल्लास आया, अहोभाव आया, और जितना भी सुना हमेशा ऐसा लगा कि जरूर मिलना चाहिए, और दर्शन के लिए एक प्रबल इच्छा भी थी। आज ये अवसर आया है। सन 1999 में इंदौर में चातुर्मास, और उस समय लगभग
50 मुनि संघ मेरे ख्याल से थे लगभग, और उस समय भी लगातार 2 महीने तक आचार्य ऋषि का स्वाध्याय श्रवण करने का एक अवसर मिला। दोपहर में गोमड़गिरी में प्रतिदिन स्वाध्याय होता था, बहुत आनंद आया समय सार को सुनकर के, और हमेशा भावना रही कि आचार्य ऋषि के दर्शन हो, और आज वास्तव में वो दिन आया। शायद जीवन की एक उपलब्धि बनेगा ये दिन, हमेशा यादगार रहेगा। एक अवसर और कभी मिले आचार्य ऋषि से थोड़ी सी चर्चा करने का, आपकी चर्या को समझने का, आपकी हित शिक्षा लेने का, वो अवसर भी कभी मिले ऐसी भावना रखते हैं। जय बलवाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से नवीनाथ भवन में आज के मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। जो जो प्रमुख पात्रों ने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री रविकांत जी जैन जो प्रमुख पात्र के रूप में, आपने 151 कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है आज के द्वितीय दर्शला। सभी लोग प्रमुख लोग हाथ लगा लें गुरु के चरणों से, गुरु जी से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और आधारभूता महिताति मुख्या शिलाभ शास्ति जनालय मला पूर्णर्गम निर्पामिति स्वाहा।